के आह्वान इसीलिए हमने दिया है कि ताकि लोगों का ध्यान जाए और ऐसी शक्तियां किसी में नहीं होती है ये सिद्ध हो। आह्वान देते समय हमें ये खबरदारी लेनी होती है कि उसमें कोई भी बदमाशी करने के लिए चांस ना बचे, क्योंकि इस ढंग की जानकारी है कैसे इकट्ठा होती है ये मुझे बहुत अच्छे ढंग से मालूम है। कई बाबा मैंने एक्सपोज किए और कल जो 2 घंटे का जाहिर व्याख्यान हुआ, पोल खोल व्याख्यान हुआ, उसमें उन बाबाओं का नाम लेकर मैंने सब बातें वो कही हैं। सभी के नहीं के लिए कुछ चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। तो ये महाराज को इस ढंग की जानकारी ना मिले ये देखना हमारा कर्तव्य है, और इसलिए नागपुर में ही इसका आयोजन हो, पत्रकार भवन में इसका आयोजन हो, पत्रकारों के सामने हो, पंच कमेटी के सामने हो, इन वक्त पर हम 10 लोग उनके सामने रखेंगे, उनके नाम, उनके पिताजी के नाम, उनकी उम्र और उनका फोन नंबर वो कहेंगे, क्योंकि उनके ये दावे सब वीडियोस में उपलब्ध है। साथ में उसी के पास के रूम में हम 10 चीजें रखेंगे, वो अपनी दिव्य दृष्टि से वो 10 चीजें पहचाने, 90% करेक्ट दो बार अगर वो कहेंगे तो उनको 30 लाख रुपए का प्राइज अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का, जो 40 सालों से हम देते आए हैं, वो मिलेगा। लेकिन उसके लिए उनको 3 लाख रुपए डिपॉजिट रखने पड़ेंगे। अगर 30 लाख रुपए का प्राइज चाहिए तो अगर वो 2 बार फेल होते हैं, 90% करेक्ट नहीं कह पाते हैं, तो ये 3 लाख रुपए जब्त हो गए, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के बैंक अकाउंट में जमा हो गए। उसी के साथ में उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पर्ची मैंने बांटी आह्वान की, उसी में मैंने कहा है कि महाराज पैसों के लिए आह्वान नहीं स्वीकारेंगे, उनके पास करोड़ रुपए हैं, तो इसलिए केवल दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए वो आगे आए। वो अपने आप को शेर कहते हैं, तो शेर ने आगे आए और लोगों के सामने, पंच कमेटी के सामने अपने आप को सिद्ध करे। अगर 2 बार वो 90% करेक्टली अपनी ये बातें कहते हैं तो मैं उनके चरणों पर माथा टेकूंगा। उनकी उम्र 26 साल की है, मेरी 71 साल की है, इसके बावजूद उनके चरणों पर मैं माथा टेकूंगा, माफी मांगूंगा, और उसी के साथ में मेरा संगठन जो 40 सालों से काम कर रहा है, और 40 सालों में हमने हजारों बाबा मांत्रिक और शरीर में भगवान लाने वाले लोगों को और ज्योतिषियों को एक्सपोज किया है, वो संगठन पूरी तरह से बंद कर दूंगा। छत्तीसगढ़ी लोग बहुत अद्भुत हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ महातारी। और यहाँ के लोगों से यही कहना है, संसार में सत्य सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसकी ताकत का अंदाजा भला कोई लगा ही नहीं सकता है। स्वधर्म निधनम श्रेया पर धर्मो माया वाह, अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है दूसरे धर्म में विचार करने से। तो समस्त छत्तीसगढ़ियों, छत्तीसगढ़ वासियों से हमारी प्रार्थना है, आओ हम सब सनातन की अलग जगह। अभी नागपुर में ऐसे, नागपुर में बात हुआ था जिसके आपने चैलेंज भी किया है, ऐसे लोग जो आरोप लगाते हैं उसके क्या आते रहेंगे? ये तो एक नहीं, हजारों आते रहेंगे। हमारा कोई बंद कमरे का दरबार नहीं है, उनको सामना करना चाहिए। हमारा मुंह फट अपने कैमरे पर कोई भी चैलेंज कर सकता है। लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग हमारे सामने दरबार, बागेश्वर बालाजी के दरबार में बैठते हैं। वो आए, जो हमें प्रेरणा लगी वो हम लिखेंगे, और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है, उनको आना चाहिए। आप मन की बात जान लेते हैं, इसको लिख भी देते हैं, क्या इसकी कृपा है? हमारे परमात्मा, हमारे ईश्वर, हमारे गुरु की ये कृपा है, और ये सनातन के मंत्रों की ताकत है, उसका अनुभव सबको करना चाहिए। और यही सत्य सनातन धर्म का जय जयकार का उद्घोष है कि आखिर ऐसा कैसे। धर्मांतरण यदि आप बोलते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बोलते हैं, घर वापसी करवा रहे हैं, धर्मांतरण को रोक लगा करके घर वापसी करवा रहे हैं। उन्हीं में से कुछ बिचौलिया वामपंथी लोग इस प्रकार के उपद्रव कर रहे हैं, उनको बस अब उनको जो है सबक सिखाना है प्रत्येक सनातनी हिंदुओं को। और हम जब तक जिएंगे तब तक सनातन के लिए कार्य करेंगे, तब तक हम घर वापसी करवाएंगे। कितनी भी मिशनरियां हमारे पीछे लग जाए, हम डिगने वाले नहीं है, हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि हम हिंदू शेर हैं। आपकी लाखों भक्त हैं और दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, लेकिन उतने ही दुश्मन खड़े होते जा रहे हैं। ये तो आदिकाल से चला आया है। यह भारत ऐसा देश है जहाँ भगवान राम के होने का सबूत मांगा है, अयोध्या का सबूत मांगा है, यहाँ पर भगवान कृष्ण के लिए भी सबूत पौंडरक जैसे लोगों ने मांगा है। तो हमें दुश्मनों से डरना नहीं है। धर्म और अधर्म की हमेशा लड़ाई रही है, सत्य और असत्य की हमेशा लड़ाई रही है। तो जो सत्य के साथ है, जो सनातनी है वो हमारे साथ है, जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं वो हमारे विपक्ष में है। बस यही है कि अपनी बुलंद आवाज को जन जन तक पहुंचाकर हिंदू एकता पर हमें जोर देना ही देना है। आप हमेशा अपने सत्संग में कहते हैं कि हिंदू जागो जागो, तो किस संदर्भ में ये? केवल इस बात में कि हर बार हम सब हिंदुओं को ही टारगेट क्यों बनाया जाता है। आज उन्होंने मुंह चलाया, आप सबसे
चले आए। तो हर बार साधु संत, कभी पादरियों पर क्यों नहीं इन्होंने टारगेट किया, कभी मौलवियों पर क्यों नहीं टारगेट किया, इनके मजारों में क्यों नहीं गए? क्या इनका दादा परदादा चला गया था बहुत जल्दी? उनके घर पे भी कभी जाकर के देखो, नानी याद आ जाएगी। ये भारत देश इतना विचित्र देश है, यहाँ पर सनातनी हिंदू, सनातनी संत और सनातनी भक्तों पर टारगेट उठाना, उंगली उठाना बहुत सरल है, पर दूसरे धर्म के बारे में वो लोग जो है छींपटा नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम हिंदुओं को जगाने की बात करते हैं। कभी संत है भारत देश में जो लोग देखने सुनने आते हैं, क्या लगता है कि सच है? स्वभाव बस, हमने जब 160 परिवार को धर्मांतरण से रोक करके हिंदू घर में पुनः हिंदुओं में वापसी करवाई, कर वापसी करवाई, तभी हमने घोषणा कर दी थी अब हमारे खिलाफ साजिशें की जाएंगी, आज से 1.5-2 महीना पहले। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है और हम बागेश्वर धाम के प्रत्येक दर्शकों से कहेंगे ये चीजें बढ़ती जाएंगी। आप लोग डरना नहीं है और हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, हम कभी ऐसा गलत कृत्य नहीं करेंगे जिससे धर्म हमारा, हम साधु संतों का और भूदेवों का आशीर्वाद लेकर सनातन की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपको क्या लगता है किस तरह का षड्यंत्र हो रहा है? बहुत बड़ी मिशनरियां पीछे लगी हैं जिनकी